नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आपको बता दें कि हरियाणा जाना जाता है खेलों के लिए और इस बार फरीदाबाद के दोधोला गांव में तीसरा विशाल दंगल होगा और ये आपको बता दें कि फरीदाबाद ही नहीं, हरियाणा का ही नहीं बल्कि भारत का तीसरा विशाल दंगल है। आप बोर्ड में देख सकते हैं, पुरुष एवं महिला भारत महाबली खिताबी दमहा दंगल है ये। और ये इसको लेकर आज फरीदाबाद के जो है नेशनल हाईवे स्थित दीपक डागर जो कि इसके आयोजक हैं, भाजपा नेता भी हैं, इनके द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। आपको लेकर चलते हैं अंदर प्रेस वार्ता में और बताते हैं कि क्या क्या जानकारियां हैं और कौन कौन इस दंगल में आने वाला है। वैसे आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर इसका शुभारंभ करेंगे, वहीं देश के कई जाने पहचाने खिलाड़ी भी इसमें शिरकत करेंगे ताकि आने वाले जो खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, उनका हौसला बढ़े। और आपको बता दें, विशेष मौका है शहीदी दिवस और शहीदी दिवस के दिन ही ये युवाओं को संदेश दे रहे हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो आयोजक हैं इसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं। ये शहीद भगत सिंह शहीदी दिवस के उपलक्ष में गांव दुधौला में और सिकल यूनिवर्सिटी दुधौला वहां इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका मेन उद्देश्य अपने युवा बच्चों को अपनी जो संस्कृति खो चुके हैं उसको मोटिवेशन देने के लिए हम इतना बड़ा एक ये विशाल दंगल कर रहे हैं। और शहीदी दिवस के लिए जो हमारी जिससे हम खुली सांस ले रहे हैं उनको एक श्रद्धांजलि है। क्या सोच है इसके पीछे, ये लगातार कर रहे हैं क्योंकि इस बार तीसरा है, तो सोच क्या है इसके पीछे? इसके पीछे ये सोच है कि हमारा समाज, भाई पहले हमारे दादा परदादा दो ही खेल थे, कबड्डी और कुश्ती, और ख़ासकर कुश्ती थी, कबड्डी भी नहीं थी। तो हमारी ये सोच है कि वो पुराने दिन हम अपने लौटा के आएँ और ओलंपिक में सबसे ज़्यादा कुश्ती में हम मेडल लाएँ। और ऐसा ही मोटिवेशन है जिससे हमारे बच्चे ये देखें कि भाई हमें भी कुछ करना है और आगे बढ़ना है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी पूरी टीम का, जो छायाकार बंधु हमारे पत्रकार, और मैं विशेष तौर पर दीपक डागर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने इतनी रुचि दिखाई खेल के इस प्रोग्राम में। क्योंकि हमारे जितने भी नेता हैं आजकल मैं देखता हूँ, और वर्षों से देखते आ रहे हैं कि कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि जो खेलों पे गौर करे, यहाँ कोई ऐसी चीज़ें बनवाए कि जो हमारी प्रतिभाएं हैं वो निकल कर आए। एक समय था पूरे हिंदुस्तान जो हमारे इलाके में सबसे बड़े पहलवान होते थे, और आज वो बिल्कुल कहानी 0-70 पर आ चुकी है। और हमारा मकसद है उसे ऊपर उठाना, और इसीलिए हमें प्रतियोगिता करवाते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मिट्टी के दंगल हैं इससे बच्चों का भविष्य खराब होता है, जिसको हम छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी प्रतियोगिता इस तरह की है कि जो बच्चे आगे आयोजन में जा सकें, मेडल ले सकें, अपना भविष्य बना सकें, देश प्रदेश स्तर पर, ओलंपिक स्तर पर, एशियाड में अपना प्रतिभा दिखा सकें, अपना हुनर दिखा सकें। लेकिन जब तक हम मिट्टी के माहौल को हम ख़त्म नहीं करेंगे, वो इस चीज़ से नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए हम बार बार मैट का ही आयोजन करते हैं और कई बार उससे करते आ रहे हैं कि जब आज हम एक पीढ़ी हमारी कोशिश में लगेगी तब हमारे आने वाली पीढ़ी हैं जो फ़ायदा उठा सकेंगी। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा मिट्टी से हटकर मैट की जो ट्रेनिंग है उस पर ध्यान दें। तो इस तरह जो हम मिट्टी में बच्चों को पहलवानी कराते हैं, 2-4 साल पहलवानी करने के बाद उनका भविष्य ख़त्म हो जाता है, और फिर वो सब तरह की क्या कहें, बदमाशी कह लो या कुछ तरह अलग एक सिस्टम में चले जाते हैं, और वो समाज के लिए फिर एक बार तो नाम रोशन के लिए घर के पहलवानी कराते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जो हमारे ही लिए वो घातक सिद्ध होते हैं। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए कौन कौन यहाँ पहुँचेंगे? यहाँ से लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो भी हैं, मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एशियाड हों, एशियन हों, ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी सभी यहाँ आएंगे और यहाँ कुश्तियाँ होंगी। शुभारंभ के मौके पर कौन पहुँचने वाले? शुभारंभ के मौके पर कृष्ण पाल जी हैं, अपने ओपी धनखड़ जी हैं, अपने वाइस चांसलर जी, और हमारे जितने भी इलाके के नेतागण हैं हम सभी को यहाँ पे बुलाया है कि बच्चों का उत्साह बढ़ाएं और एक उनको नया संदेश दें। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा बच्चों को साथ लेकर आएं और उन्हें दिखाएं कि इस तरह के आयोजन से उनमें भी एक कोई कुछ करने की ललक होगी, और वो कुछ उन बड़े खिलाड़ियों को देख के सोचेंगे कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। जब उनका मान सम्मान देखेंगे तो उनको भी इन चीज़ का फ़र्क पड़ेगा कि हमें कुछ करना चाहिए। जी, मेरा नाम राजेंद्र तेवतिया, और आज आपको जो ये कष्ट हमने दिया था शहीदी दिवस परसों 23 मार्च के उपलक्ष्य में दुधौला में एक विशाल कुश्ती का मैटो वाली का आयोजन
किया जा रहा है, उसके लिए पूरे देश भर से जो खिलाड़ियाँ आ रहे हैं और आप सभी के माध्यम से भी ये जो लोगों तक और प्रचारित प्रसारित करने के लिए आज आपको यहाँ पर कष्ट दिया गया है, और जिसमें महिलाएं भी जो हमारी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं, और पूरे देश से ही खिलाड़ियों का आगमन होगा उस दिन सुबह 7 से 9 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन का और वजन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद जो है निरंतर पूरे दिन एस स्किल विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी दुधौला में खेल पूरे दिन जो कुश्तियों का आयोजन रहेगा, और शाम को जो पुरस्कार वितरण का प्रोग्राम रहेगा। बताया जा रहा है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जो है ये। जी हाँ बिल्कुल, पहले भी 2 बार जो हमारे सुंदर सरपंच जी वो इस आयोजन को करवा चुके हैं, और तीसरी दफ़े उससे भी और अच्छी बार अब की बार जो है व्यवस्था करके और उसको आयोजित करवा रहे हैं। क्या कुछ पुरस्कार रखे गए हैं और कौन कौन से खिलाड़ी इसमें आने वाले हैं? जी पुरस्कारों की जहाँ तक बात है कि प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए का है, द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपए का है, तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए का है। इसी तरीके से ये 8 वजन की जो प्रतियोगिताएँ अलग अलग होंगी, जिसमें महिलाओं का भी जो अलग से व्यवस्था होगी, तो इन सभी को मिला करके बहुत अच्छा रोचक मुकाबला वहाँ पर होने वाला है। तो बताया जा रहा है वहाँ पर भी मौके पर रजिस्ट्रेशन होंगे? जी मौके पर ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, मौके पर जो है सभी खिलाड़ियों को सूचित कर दिया गया है, देश भर से 7 से 9 बजे तक जो है सभी वहाँ पर पहुँचेंगे। दर्शकों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, वहीं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।